स्वाति मालीवाल का मुद्दा नुकसान पहुंचाएगा। आपने वीडियो देखा वो सोफे पे, स्वाति मालीवाल का मुद्दा नुकसान पहुंचाएगा। सोफे पे वो बायकायदा इज्जत के साथ बैठी हुई है और तीन कर्मचारी उनके सामने। क्या बोल रहे हैं आप? झूठ झूठ। एक बात सिर्फ सुनना ध्यान से सुरिंदर जी, ईमानदारी ईमानदारी और झूठ का वर्ल्ड कप हो जाए, ईमानदारी और झूठ का वर्ल्ड कप हो जाए, दिल्ली में तीन मेडल आएंगे। ईमानदारी का मेडल आएगा सुरिंदर जी को, झूठ बोलने केजरीवाल और जो मंत्री है लेडीज अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, झूठ बोलता है और लेडीज झूठ बोलती है। ईमानदार आदमी मेहनती आदमी है। क्या बोल रहे हैं? जो एक महिला सांसद जो इज्जत नहीं किया, उनके घर में उनको चप्पल फैट पेट में मारा गया, यहाँ मारा गया, उनके वो तो आरोप है ना उनके भाई, वो तो आरोप लगाएंगे। केजरीवाल के घर पे उनको मारा गया, समझ जाओ कितने भ्रष्ट पार्टी है केजरीवाल, करप्ट है केजरीवाल, चोर है, करप्ट है, उससे करप्ट आज तक मैंने अपने लाइफ में देखा ही नहीं। 25 तारीख को वोटिंग होगी, दिल्ली की जनता के लिए मुद्दा है बीजेपी, बीजेपी ओनली बीजेपी और कोई मुद्दा नहीं। 400 के साथ लिख लेंगे, 400 दे सकता हूँ। झूठ के सबूत चार, सब झूठ नहीं बोलता ईमानदार। पहला काम ये कहते हैं जी पेंशन मिल रही है, आज उम्र कितनी है मेरी, कहाँ पेंशन है, कहाँ पेंशन है। ये कहते हैं स्कूल, ये कहते हैं स्कूल, मेरी पोती एक साल। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे अरविंद केजरीवाल, झूठ बोलते हैं। और देखिए मेरी बात सुनिए, आप भी देख रहे हैं, अगर अरविंद जी जेल से आए, जेल से आने के बाद आपने उसकी पब्लिक रोड शो में पब्लिक देखी, अगर अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते तो इतनी पब्लिक उनके साथ आती, पूरे दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में, पूरे भारत में। क्या बोल रहे हैं? अगर अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हो तो दिल्ली में तीन बार नहीं आते, 67 सीट एक बार, 63 सीट। लोकसभा में क्यों नहीं आ पा रहे? लोकसभा में क्यों नहीं आ? अब की बार पिछली बार लड़ रहे, अब की बार लोकसभा में भी देखियो, पंजाब में जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं हम सारी सीटें जीते। क्या बोल रहे हैं? इस बार गठबंधन पूरे जोर से लग रहा है, दोनों में कॉन्फिडेंस पूरा है और जनता लड़ रही है, आम आदमी और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। कितनी सीटें आएंगी गठबंधन को? कितनी? 7 के 7 आएंगी। बीजेपी बोल रहे हैं इस बार भी क्लीन स्वीप होगा, बीजेपी का सुपड़ा साहब। क्या बोल रहा है? कोई काम धंधा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं करने दिया बीजेपी ने, सब धंधे चौपट, एक नौकरी नहीं दी। कल प्रधानमंत्री ने द्वारका में जो रैली की, प्रधानमंत्री ने बोला भाई नेताओं ने जो लूटा है, एक बार फिर सरकार आएगी तो लूटा हुआ धन जनता के पास जाएगी, बीजेपी नहीं आएगी। नारे मत लगाइए, बोलिए मुद्दा बताओ। ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं हुआ, कोई सब काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई बेरोजगारी फैला रखी है, हर बंदा। लेकिन बीजेपी 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, देश भर में 400 पार की बात बोल रही है। दावे रखे रह जाएंगे, दावों से कुछ नहीं होता, एक तरफा एक हफ्ता आम आदमी।